शांति। गीतांजलि कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सबके साथ रूबरू होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आप सभी का पुनः इस कार्यक्रम में दिल से, सच्चे मन से अभिनंदन है, अभिवादन है, स्वागत है, स्वागत है और प्रणाम है। संत कबीर जी कहे गए, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। अर्थात सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं हो सकता और झूठ के बराबर कोई पाप कर्म नहीं हो सकता। जिसका हृदय सच्चा हो, साफ हो, उस हृदय में स्वयं सत्य भगवान का ही वास होता है। इस मशहूर दोहे में कबीर जी ने सत्यता को एक तपस्या का दर्जा दिया है, क्योंकि सत्यता सिर्फ सच बोलने मात्र नहीं है, परंतु सत्यता अर्थात सत्य मार्ग पर निरंतर चलते रहना है। और सत्यता का मार्ग एक पतली सी, फिसलन सी पगडंडी के समान है, जिस पर सतत चलते रहना सचमुच एक तपस्या के समान ही है। और इस तपस्या से ही उस भगवान को भी आसानी से रिझा सकते हैं। तभी कहा जाता है, सच्चे दिल पर साहब राजी, उस भगवान साहब को हम सच्चाई से ही राजी कर सकते हैं। तो आइए इस मनोरम मधुरम कार्यक्रम गीतांजलि में आज हम खोज करेंगे सत्यता का। क्या है सत्यता? कौन है सत्य? क्या है सच्चाई का मार्ग? और क्या इस सच्चाई के मार्ग पर चल करके सत्यता की दुनिया को हम बना सकते हैं? इन सब बातों को हम इस आज के इस कार्यक्रम से जानेंगे। तो सत्यता की इस खोज में पहले हम सुनेंगे एक सुंदर सा गीत, जिसके बोल हैं, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सुंदरता अति प्यारी। शिव है, शिव ही सुंदर, सुंदरता अति प्यारी। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सुंदरता अति प्यारी। शिव का ज्ञान समझने वालों से है ये माया हारी। जन्म की पतित आत्माओं को मुक्ति दिलाए। जन जन को ये मंत्र सिखा कर मन मना भव माने कम। से खाली मन का प्याला ज्ञान खजाने के आगे है सारे जग का धन। परम पिता का जग के नाते झूठे सत्य वचन सद्गुरु समझा के तोड़े लाख भरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
अति सुंदर, बहुत ही निराला गीत अभी हमने सुना। इस छोटे से गीत ने बहुत ही सरल शब्दों में बहुत गहरे भावनाओं को, बहुत गहरे राजों को स्पष्ट किया गया है। कहा, भगवान ही सत्यम शिवम सुंदरम है, अर्थात भगवान की पहली क्वालिटी है सत्यता। इसलिए कहा जाता है भगवान सत्यता का सागर है, गॉड इज ट्रूथ। भगवान सत्य है इसलिए वे शिवम भी हैं। शिवम अर्थात कल्याणकारी। संपूर्ण मनुष्य आत्माओं को, सारे सृष्टि को माया रूपी रावण से मुक्त करना, ये है कल्याणकारी। भगवान कल्याण इस रीति से करते हैं। भगवान कल्याणकारी है, शिवम है, इसलिए वे सुंदरम भी हैं। सुंदरम अर्थात पवित्रता, मधुरता, निर्मलता, निश्चलता, निष्कपटता। इसलिए भगवान के लिए कहा जाता है भगवान दयानिधि है, करुणानिधि है, वे प्रेम का सागर हैं। वो अति सुंदर है और सभी मनुष्य आत्माओं को सुंदर यानी पतित से पावन बनाने वाले हैं। तो ऐसे सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा हमारा सत्य पिता है, सत्य टीचर है, शिक्षक है और सत्य गुरु भी हैं। उनके साथ सत्य संबंध जोड़ना, यही सत्य का मार्ग है। और साथ साथ झूठ क्या है ये भी स्पष्ट होता है। झूठ है पांच विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश हो करके जब हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो ये है झूठ, ये है मिथ्या। तो ये बात इस गीत के माध्यम से स्पष्ट होता है। चलते हैं इस सत्य की खोज को आगे ले जाते हैं। इस सत्य की खोज की जो बहुत अच्छी पहलू है, कुछ नया पहलू लेकर के आ रहा है हमारा अगला गीत, जिनके बोल है सच्चाई की दुनिया वो। सच्चाई की दुनिया वो एक सुनहरा जमाना है। सच्चाई की दुनिया वो एक सुनहरा जमाना है। देखो फिर से बनाने उसे पढ़ता रब को आना है। देखो फिर से बनाने उसे पढ़ता रब को आना है। सच्चाई की दुनिया वो एक सुनहरा जमाना है। ना होती है दहशत वहां, ना करता कोई फरियाद। जिंदगी में सबके अमन, सब होते वहां आजाद। देखो गाते परिंदे वहां, देखो गाते परिंदे वहां, खुशियों भरा तराना है। सच्चाई की दुनिया वो एक सुनहरा जमाना है। सच्चाई की दुनिया वो। सब में दिली मोहब्बत, पंछी हो या इंसान, सब होते हैं काबिल वहां, होता नहीं अरमान। खूब लिखा खुदा ने वहां, खूब लिखा खुदा ने वहां,
सबका ही अफसाना है। सच्चाई की दुनिया वो एक सुनहरा जमाना है। सच्चाई की दुनिया वो ओ अल्लाह का बगीचा है वो खुशबू अनोखी बहार पाक होती वहां रूहे पाक जमीन आसमां जन्नत के फरिश्तों का जन्नत के फरिश्तों का वो तो आशियाना है। सच्चाई की दुनिया वो एक सुनहरा जमाना है। सच्चाई की दुनिया वो एक सुनहरा जमाना है। देखो फिर से बनाने उसे पढ़ता रब को आना है। सच्चाई की दुनिया वो एक सुनहरा जमाना है। सच्चाई की दुनिया वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा गीत अभी हम सबने सुना। इस गीत ने बहुत ही सुंदर बहुत ही निराले अनोखे दुनिया का वर्णन किया गया है। वो दुनिया एक ऐसी दुनिया जिसमें केवल सच्चाई ही सच्चाई है, झूठ का कोई नामो निशान नहीं। ऐसी दुनिया, ऐसी श्रेष्ठ दुनिया जिसको स्वर्णिम दुनिया कहा जाता है, सोने की दुनिया, सुनहरी दुनिया। गीतकार ने ऐसी सच्चाई की दुनिया को सोने के साथ, सच्चे सोने के साथ तुलना किया गया है, क्योंकि जिस तरह सोना जितना सच्चा होता है, प्योर होता है, उतना उसका मूल्य बढ़ता है, वैसे ही इस दुनिया भी बहुत बहुत अमूल्य है, बहुत बहुत मूल्यवान है, क्योंकि इस दुनिया में रहने वाले हर इंसान भी मूल्यवान है, क्योंकि हर कोई सच्चे हैं, हर कोई साफ है। न केवल इंसान परंतु प्रकृति, पक्षी, पशु भी हर कोई सच्चे है, साफ है, पवित्र है। कोई दुख का नाम निशान नहीं, कोई अशांति नहीं, हर कोई प्रेम प्यार से बहुत ही मोहब्बत के साथ आपस में मिलजुल करके रहने वाले हैं। हर कोई काबिल है, हर कोई भाग्यशाली है वहाँ। ये सुंदर संदेश इस गीत के माध्यम से प्राप्त होता है। परंतु आप सबके मन में भी यही प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या ऐसी सच्चाई की दुनिया कहीं है? यदि है तो कहाँ है, और यदि नहीं है तो क्या ऐसी सच्चाई की दुनिया हम बना सकते हैं? यदि बना सकते हैं तो कैसे बना सकते हैं, किस विधि से हम बना सकते हैं? तो आइए इन सब प्रश्नों का जवाब हम जानेंगे अगले गीत के माध्यम से। और अगला गीत हमारा बहुत ही सुंदर है, जिनके बोल हैं सत्य की मशाल हम जलाएंगे। सत्य की मशाल हम जलाएंगे, प्रेम के प्रकाश को फैलाएंगे। भेदभाव हो नहीं यहाँ कोई, ऐसा एक परिवर्तन लाएंगे, Oh,
शस्त्र जो उठाता है वो शस्त्र से मिट जाता है। शस्त्र जो उठाता है वो शस्त्र से मिट जाता है। प्यार जो बरसाता है वो प्यार सबका पाता है। प्यार जो बरसाता है वो प्यार सबका पाता है। हिंसा को अहिंसा से मिटाएंगे, धरती को स्वर्ग हम बनाएंगे। कभी कहीं भी अशांति हो नहीं, ऐसा एक परिवर्तन लाएंगे। कहने को तो धर्म राष्ट्र भाषाएं अनेक हैं, अनेक हैं। दुनिया के इंसान सभी भाई हैं, एक हैं। कहने को तो धर्म राष्ट्र भाषाएं अनेक हैं, दुनिया के इंसान सभी भाई हैं, एक हैं। विश्व को संदेश ये सुनाएंगे, दादी जी के साथ बढ़ते जाएंगे। सभी जिए निर्भय हो जगत में, ऐसा एक परिवर्तन लाएंगे। सत्य की मशाल हम जलाएंगे, प्रेम के प्रकाश को फैलाएंगे। भेदभाव हो नहीं यहाँ कोई, ऐसा एक परिवर्तन लाएंगे। सत्य की मशाल हम जलाएंगे, दादी जी के साथ बढ़ते जाएंगे। ऐसा एक परिवर्तन लाएंगे, विश्व को संदेश ये सुनाएंगे। ऐसा एक परिवर्तन लाएंगे, दादी जी के साथ बढ़ते जाएंगे। विश्व को संदेश ये सुनाएंगे, ऐसा एक परिवर्तन लाएंगे। वाह, बहुत ही सुंदर गीत अभी हमने सुना। ये एक इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल सॉन्ग है। एक नया और श्रेष्ठ परिवर्तन का प्रतीक है ये गीत। इस गीत में कहा है कि इस कलयुगी हिंसात्मक दुनिया को यदि बदलना है तो शस्त्र और हिंसा से तो कदापि ये दुनिया बदल नहीं सकता। वर्तमान संसार को सुखमय संसार बनाना है तो केवल सत्य, अहिंसा और प्रेम के प्रकाश से ही संभव हो सकता है। भले ही इस दुनिया में अनेकता है, अनेक भाषाएं, अनेक धर्म, अनेक मत मतांतर हैं, परंतु अगर हम अपने मन में एक सत्य की मशाल हम जगा करके रखें तो इस अनेकता में एकता लाना संभव है ही है, क्योंकि सत्य केवल एक है, अनेक नहीं। तो वो सत्य क्या है? सत्य है कि हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, और उस सत्य पिता परमात्मा की हम सब संतान हैं, और हमारा एक ही सत्य धर्म है, वह है सत्यता, प्रेम, शांति और पवित्रता। इस स्वधर्म में हम टिक जाए, इस सत्य के मशाल को हम थामे रखे, अपने मन में जगाए रखे, तो एक से दो, दो से तीन ये मशाल हम एक दूसरे को थमा करके आगे बढ़ सकते हैं, और तभी वो स्वर्णिम संसार, वो खुदा का बगीचा, वो ईडन गार्डन, वो सोने की चिड़िया फिर से हम स्थापित कर सकते हैं। तो क्या आप भी ये सत्य की मशाल आप अपने हाथ में थामेंगे? आज हम आपको ये मशाल सौंपते हैं और आशा करते हैं कि आगे आप दूसरों को भी ये मशाल थमाएंगे। इस शुभ आश के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार है। ओम शांति।